ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे टेली चालू करना मीन्स टू स्टार्ट टेली, कंपनी बनाना मीन्स टू क्रिएट अ कंपनी, और टेली बंद करना मीन्स टू क्विट टेली। आइए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं टेली ईआरपी 9 को स्टार्ट करना। इसके लिए जब आप टेली ईआरपी 9 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो मोस्टली तो आपको टेली ईआरपी 9 यहाँ शॉर्टकट के रूप में नज़र आएगा डेस्कटॉप पर ही। यहाँ से आप इसे डबल क्लिक करके चालू कर सकते हैं। अगर कभी यहाँ पर टेली ईआरपी 9 का आइकन आपको नहीं नज़र आए तो आप स्टार्ट पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और यहाँ पर ये देखिए आपको टेली ईआरपी 9 नज़र आ रहा है। इसके साइड में जो मेन्यू है वहाँ पर टेली ईआरपी 9 पर जाकर के क्लिक कर दें और ये देखिए टेली ईआरपी 9 खुल गया। ये है टेली ईआरपी 9 के विंडो, और जब ये ओपन होगा तो आप देख सकते हैं इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। ये यहाँ पर आपको इस स्क्रीन पर कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। हो सकता है कि जब आप टेली ईआरपी 9 ओपन करें तो आपको इस तरह की स्क्रीन न मिलकर कुछ अलग तरह की स्क्रीन नज़र आए। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये दूसरी तरह की है, जो हमने पहले देखी थी उससे अलग है। अगर आप टेली खोलते हैं और इस तरह की स्क्रीन आती है, ऐसी स्थिति में मान लीजिए हम अगर कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन वाली विंडो पर जाना होगा। उसके लिए आप अल्ट प्लस F3 प्रेस कर दें या फिर ये कंपनी इन्फो जहाँ लिखा है वहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये जो सिलेक्टेड है इसमें पहला अक्षर जो S है वो हाइलाइटेड है, रेड लेटर्स में आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला अक्षर हाइलाइटेड ना होकर के दूसरा अक्षर हाइलाइटेड है। तो ये जो अक्षर हाइलाइटेड है या बोल्ड में आपको नज़र आ रहा है वो शॉर्टकट की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उस लेटर को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर तो वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हम कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सी बोल्ड है, हम कीबोर्ड पर जब सी प्रेस करेंगे, ये देखिए जैसे ही हमने सी प्रेस किया तो कंपनी क्रिएशन के लिए ये विंडो हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले नेम है, जिस नाम से आप अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर दें। ये हमने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया मोहन ट्रेडर्स। अब एंटर प्रेस करें। आगे बढ़ने के लिए आपको हर बार एंटर प्रेस करते जाना है। तब ये यहाँ पर मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर डालना है। मेलिंग नेम जो आपको रखना है, यूं तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपने नाम लिया है कंपनी का वही अपने आप मेलिंग नेम में भी आ जाएगा, पर अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं। ये जो नेम और एड्रेस हैं ये वो रहेंगे जो आपके हर लेजर पे, इनवॉइस पर, हर जगह यही मेलिंग नेम और एड्रेस आएगा। इसलिए यहाँ पर आपको वही मेलिंग नेम और एड्रेस रखना है जो आप इन सब चीज़ों पर चाहते हैं। ये एंटर प्रेस कर दिया हमने और जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे। एंटर प्रेस कर दें, आगे सिटी का नाम डाल दिया इंदौर, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। अब ये है स्टेट्यूटरी कंप्लायंस फॉर, जिस भी देश के कानून कायदे या लॉ को आपकी कंपनी फॉलो करेगी या जो उस कंपनी पर लागू होंगे उस देश का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जाहिर है जिस भी देश में आपकी कंपनी फंक्शन करेगी कानून भी वहीं का लागू होगा, इसलिए जहाँ आपकी कंपनी फंक्शन कर रही है और जहाँ के कानूनों का वो पालन करेगी, जिनके कानून कायदों के अनुसार वो चलेगी, उस देश का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। अभी हमारे लिए इंडिया है तो यहाँ पर तो इंडिया है ही, पर अगर कोई दूसरा देश भी हो तो वो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है इसमें से आप चुन सकते हैं। हमने चुना है इंडिया, एंटर प्रेस किया। अब स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश में हमको करना है तो हम यहाँ पर M टाइप कर देंगे। M टाइप करते ही M से रिलेटेड सारे स्टेट्स आ गए। अब आप डाउन एरो की से या अप एरो की से जो भी आपका स्टेट है चुन लें और एंटर प्रेस कर दें। अब आगे आप जो भी एरिया है उसका पिन कोड डाल दें, टेलीफोन नंबर डाल दें, अब मोबाइल नंबर डाल दें, इसके बाद ईमेल है तो ईमेल डाल दें। ईमेल के बाद हम फिर एंटर प्रेस करेंगे और ये हम आ गए ऑटो बैकअप डिटेल्स पर। ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे इसलिए से अभी हम छोड़ रहे हैं, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए।
ये अब हम आ गए कंपनी डिटेल्स पर। सबसे पहला है करेंसी सिंबल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रुपीज़ के लिए जो सिंबल है वो यहाँ पर अपने आप आ गया है, क्योंकि हमने देश इंडिया चुना है। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा ऑप्शन है मेंटेन, यहाँ पर आपको इन दो में से एक चुनना है। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली में अगर आप केवल राशि जानना चाहते हैं कि कितने का माल आपने बेचा है और कितने का माल आपने खरीदा, केवल इतना ही आप अगर हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो हम चुनेंगे अकाउंट्स ओनली। पर अगर आप चाहते हैं कि राशि के साथ साथ आपको स्टॉक की जानकारी भी हो जाए कि आपने कितनी मात्रा में माल बेचा है, कितनी मात्रा में खरीदा है और कितना स्टॉक बचा है, तो फिर यहाँ पर आपको चुनना होगा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अगली चीज़ जो हमको यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर आपको कब से शुरू करना है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है। मान लीजिए हमने अपना बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2010 और 11 में किया, तो यहाँ पर हमको 1 अप्रैल 2010 डालना होगा। ये हमने यहाँ डाल दिया 1 अप्रैल 2010, एंटर प्रेस किया, आगे बढ़े। अब यहाँ पर है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। आप देखेंगे कि जब हमने ऊपर फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ डाला तो नीचे अपने आप वो उसी डेट को ले लेता है। आप चाहें तो इसे रखें, और फाइनेंशियल हमारा 2010-2011 है, पर मान लीजिए हमने जो अपना बिजनेस है वो शुरू किया जून से, तो चाहें तो आप यहाँ पर जिस तारीख से आपने बिजनेस शुरू किया है वो तारीख यहाँ पर डाल दें, और चाहें तो आप इसको बनाए रख सकते हैं। अब फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये हम आ गए सिक्योरिटी कंट्रोल पर, इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे, इसलिए अब एंटर प्रेस करके आप आगे बढ़ते जाइए, एंटर प्रेस करते जाइए जब तक कि ये ऐसे छोटा सा डायलॉग बॉक्स एक्सेप्ट का न आ जाए। अब हमको ये एक्सेप्ट करना है तो या तो आप एंटर दबा दें या फिर यस के लिए वाई वाली की प्रेस कर दें। ये देखिए, इसी के साथ हमारी जो कंपनी है मोहन ट्रेडर्स वो क्रिएट हो गई। अब इस टैली से बाहर आने के लिए आप एस्केप की दबाते जाएं जब तक कि आप क्विट के डायलॉग बॉक्स पर ना आ जाएं। अब आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए, हम टैली से बाहर आ गए। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा टैली चालू करना, यानी टू स्टार्ट टैली, कंपनी बनाना मीन्स टू क्रिएट अ कंपनी, टैली बंद करना मीन्स टू क्विट टैली।